हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मैहर माता के दरबार, माता रानी के दर्शन करने। तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी मैं अपने साथ ले चलूं और माता जी के दर्शन कराऊं। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, इस समय हम प्रयागराज में नैनी ब्रिज पर हैं, नैनी पुल पर हैं, और हम फोर व्हीलर से जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन इस समय बंद है। और ये देखिए, हम आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं किस रास्ते से हम लोग जा रहे थे। ये नैनी का पुल पार हो चुका है और हम इसमें उत्तर प्रदेश की सीमा पर हैं, मध्य प्रदेश सीमा पर हैं। ये देखिए, रात के करीब 9 बजे का सीन है। हम रात को 9 बजे ही चले थे और करीब 2 बजे तक हम मैहर माता के दरबार पहुंच गए थे। और ये रास्ते का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दोस्तों, रात में शहर देखना, रात में सफ़र करना मुझे बहुत पसंद आता है। तो इसीलिए हम लोग रात में ही निकले थे और फिर हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। ये देखिए, हम टोल प्लाजा पहुँच गए हैं और प्रयागराज से मैहर के बीच हमें लगता है करीब 5 टोल प्लाजा पड़ा था। और ये देखिए, हम इस समय हाईवे पर हैं और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हाईवे पर हैं, ये जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा शहर एकदम से शांत है, लाइट जल रही है। इस तरह के व्यू मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए हमने आप लोगों को भी दिखाने का मन हुआ तो मैंने दिखा दिया। दोस्तों, आप लोगों को ये मेरा व्यू कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने 4 घंटे का सफ़र करीब तय कर लिया है और हम मैहर माता के दरबार में एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए, बाहर से लाइटें लगी हुई हैं और यहाँ से करीब हमें लगता है 100 मीटर दूरी पर या 200-300 मीटर की दूरी पर ही माता रानी का मंदिर है, उनका दरबार है। और ये रास्ता का भी है क्योंकि रात का टाइम था, इसी वजह से इतनी शांति थी। हमें लगता है कि अगर दिन होता तो यहाँ सब भीड़ होती, लेकिन ये देखिए, माता रानी का मंदिर का एंट्री गेट है और हम माता रानी के दरबार में प्रवेश कर चुके हैं। और मुझे लगता है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से भी भीड़ कम है और रात की वजह से भीड़ कम है रास्ते में। तो ये देखिए, माता रानी का शारदा माता, मैहर माता में शारदा माता रहती हैं, मतलब शारदा मैया का मंदिर है। और ये देखिए, शारदा हम लोग गेट पर पहुंच गए हैं। हम लोगों ने 2 घंटे करीब आराम करने के बाद, नहा धोने के बाद ही दरबार में आए थे। हम करीब 2 बजे पहुंच गए थे दरबार, लेकिन 2 घंटा हम लोगों ने आराम किया था, तब नहा धो के मंदिर आए थे। ये देखिए, माता रानी के गेट का व्यू है। ये गणेश जी हैं जो कि गेट पर ही हैं और बीच में, और दोनों तरफ हनुमान जी हैं दरबारी के रूप में। ये देखिए, ये गणेश जी, और ये देखिए, ये हाथी है और इस पर आल्हा उदल बैठे हुए हैं जो कि माता मैहर माता के अनन्य भक्त थे, और इसीलिए गेट पर वो ऐसा माना जाता है कि वो अभी भी अमर हैं और मैहर माता
के मंदिर माता रानी के गेट पर ही रहते हैं। और ये देखिए बाहर, मंदिर के बाहर इस तरह से सिंदूर की दुकानें औरतों ने लगाई थी। ये देखिए सिंदूर, ये लोग यहाँ ज़मीन पर लगा के बैठे थे, कितना अच्छा लग रहा था देखने में। ये देखिए ये दुकानें हैं, ये मंदिर का पूरा परिसर है। देखिए सुबह का करीब लगता है 5 बजे का टाइम हो चुका था और इसलिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये पूरा ये देखिए चुन्नी और चूड़ियाँ, काफ़ी दुकानें लगी थी, काफ़ी अच्छे सामान मिलते हैं। हमको लगता है कि COVID-19 की वजह से ही शायद ये भीड़ कम हो रही होगी, क्योंकि जब COVID-19 में इतनी भीड़ है तो आम लोगों में हम लोग क्योंकि मैं पहली बार ही आई थी, अच्छा लग रहा था। हम लोग लड़ाई शुरू करने वाले हैं क्योंकि हम लोग चूड़ी की खड़ी पहुँच चुके हैं। ये मंदिर का ग्राउंड है और हम लोग लड़ाई शुरू करेंगे करीब। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है माता जी के दरबार से। ये देखिए हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। दोस्तों कहने के लिए सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन माता रानी की कृपा से कोई समस्या नहीं होती। हर उम्र के लोग चढ़ाई कर सकते हैं, माता जी के दर्शन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कितना सुंदर लग रहा है, अभी फ़िलहाल सूर्योदय नहीं हुआ है, होने वाला ही था। ये तब का व्यू है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं तो उसके लिए ये रोप वे जा रहा है, इसकी व्यवस्था है। ये देखिए जा रहा है, इस पर एक बार भी 2 या 3 लोग आ जाते हैं। फिलहाल हम लोगों ने सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी। ये देखिए ये मंदिर, ये कितना अच्छा, पहाड़ियाँ दिख रही हैं मैहर माता की। ये दर्शन का मार्ग है, सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से है। दोस्तों ये देखिए हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे कि हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ रास्ता ख़राब था तो इसको थोड़ा सा रास्ता घुमा दिया गया था, तो इसलिए घूम करना पड़ रहा था। और ये देखिए रोप वे आ रहा है और ये लड़का कुछ इस तरह से देखिए माता रानी दरबार जा रहा था, भगवान इसकी मनोकामना पूरी करें, माता रानी इसकी मनोकामना पूरी करें। और ये देखिए हम लोग इस तरह से पैदल पैदल जा रहे थे। ये देखिए सूर्योदय होने लगा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सुबह का टाइम था, मौसम थोड़ा ठंडा भी था, इसलिए लोगों को चढ़ने में चढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। माता रानी की कृपा से हम लोग बहुत ही आराम से चढ़े थे और आराम से वहाँ दर्शन करके आ गए थे। ये देखिए सूर्योदय हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए माता रानी के दरबार हम लोग पहुँच चुके हैं। ये लास्ट सीढ़ियाँ हैं और माता रानी का दरबार आ चुका है। ये देखिए माता रानी के दरबार से ये रिकॉर्डिंग हमने की है, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। ये देखिए सूर्योदय हो रहा है, हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम किए थे, तब
माता रानी के दरबार गए थे। सीढ़ी इस तरह से कुर्सियाँ बनी थी, यहाँ बेंच, ये मेरी पर्स रखी है और ये इसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई पड़ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। आपको ये वीडियो, ये मेरा ग्रुप बताइएगा और माता रानी दीजिएगा। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, आप सबको खुश रखें, सुखी रखें, तरक्की दें। हम भी दुआ करेंगे, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है और भी जितने भी लोग माता रानी को मानने वाले हैं, सबको माता रानी आशीर्वाद दें, खुश रखें, आपकी मनोकामना पूरी करें। हम भी दुआ करेंगे। था इसलिए हम मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। ये देखिए माता रानी का गेट दिख रहा है और ये सीढ़ियाँ हैं, ये जहाँ भीड़ लगी है वही माता रानी का दरबार है। और हम ही तो रिकॉर्डिंग कर पाए थे क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग मना थी आगे मंदिर के अंदर, तो बस इतनी यहाँ माता रानी के दरबार में इतनी ही रिकॉर्डिंग कर पाए थे हम। ये देखिए हम लाइन में लगे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए और थोड़ी देर में हम माता रानी दर्शन करेंगे। दर्शन उनका हो चुका है और जहाँ से लोग दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं। मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग हमने कराना थी, ये हम नहीं कर पाए थे। हालांकि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा करें। मंदिर में प्रवेश की अनुमति थी और नारियल फोड़ना मना था, प्रसाद बांटना मना था। अनाउंसमेंट हो रहा था आप लोग दर्शन के लिए और दुखना चढ़ाइए और आगे बढ़िए, यही कहा जा रहा था। Yeah.